नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग एक मामा पे रिएक्शन बनाने वाले हैं, जो कि है महाकाली अंत ही है आरंभ। तो उनका फर्स्ट एपिसोड है और फर्स्ट ही सीन है, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो सीरियल है ना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब ये वाला सीरियल मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और स्टार्टिंग में जब ये आया था, उस वक्त में मैंने ये मतलब देखा था। और इनमें वो जो द्रौपदी हैं, मतलब कि वो उनका रियल नेम पता नहीं क्या, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मैंने इस सीरियल में उनको फर्स्ट टाइम देखा था। और मुझे इतनी प्यारी लगी थी, वो जो रूप उनका होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इसके जितने भी एपिसोड्स हैं उन पर रिएक्शन ज़रूर बनाऊंगी। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और इस पर रिएक्शन मेरा बनाना अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और दूसरों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। ये वाले डायलॉग इनका सुने, सही बात है। सारा लगता है जला देंगे हर चीज। ओके, और इनका ये रूप जितना ज्यादा खतरनाक उतना ज्यादा शक्तिशाली भी है। देख रही है, ये मैंने क्या देखा? ये वाला इनका जो रूप है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इतना विचित्र, इतना डरावना। क्या हुआ माता पार्वती? प्रणिपात माता, कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दिया नंदी। क्या देखा आपने माता? क्या और क्यों? इसका उत्तर तो महादेव से ही जानना होगा नंदी। कितना प्यारा रूप है ना इनका। सुखी, आज महादेव के कंठ पे नहीं। त्रिशूल भी यहाँ है। महादेव कहाँ है? महादेव कहाँ गए? डमरू की आवाज आ रही है उनके। वाओ, वाओ, सीरियसली दोनों मेरे फेवरेट हैं, एक ही सीरियल में है। वाओ, कृष्णा जी अभी महादेव के रूप में देखेंगे हम इनको। कृष्णा जी के रूप में भी बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। ओहो, हम्म,
आंसू क्यों? आनंद अंदर वो आंसू इनका मिलन समझ नहीं आया था। आनंद और आंसुओं की राशि एक ही है गौरी। आनंद जब सीमा पार कर जाता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। सही बात है, ऐसा ही है। आनंद का कारण तट के आनंद का कारण उसको छूकर बहती हुई धारा होती है गौरी, और शिव के आनंद का कारण है उससे जुड़ी हुई शक्ति, और वो शक्ति तुम हो गौरी। किंतु तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। इस चिंता का कारण है विचित्र स्वप्न। हो सकता है मेरे आनंद का कारण तुम्हारा ये स्वप्न ही हो। मेरे स्वप्न का आनंद से कोई संबंध नहीं हो सकता महादेव। इतना डरावना सपना, ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु तांडव कर रही हो। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होने को है। अंत? ये अ अक्षर बड़ा विचित्र होता है गौरी। अ से अंत है तो आ से आरंभ। सही बात है। अर्थात अंत यदि सचमुच अंत होता तो आरंभ उसके पश्चात नहीं आता, और अंत से पहले आरंभ होता नहीं। वास्तविकता में अंत ही आरंभ है। आपकी ये पहेलियां देव मैं समझ नहीं पाती। आप ईश्वर हैं और मैं एक साधारण नारी, और इस साधारण नारी ने पति के रूप में किसका चयन किया? एक ऐसा प्रश्न हुआ, पति तो आप हैं महादेव। पति के रूप में महादेव का चयन किया है तो महा उत्तरदायित्व तो उठाने ही होंगे गौरी। कल का चयन ही आज परिणाम बनकर हमारे सामने आता है। चयन का अंत ही परिणाम का प्रारंभ है। किंतु देव, मैंने देखा कि महादेव, इस दशा में केवल इंद्रदेव कहिए माता। राज्य छीना जा चुका है। राज्य छीना? किसने? शुंभ निशुंभ ने। कौन शुंभ निशुंभ? असुरों का राजा शुंभ
बड़े ही शक्तिशाली असुर हैं दोनों, विचित्र शक्तियां हैं उन असुरों के पास। शुंभ के सामने कोई नहीं ठहर सकता। उसका भाई निशुंभ। और निशुंभ वो विजय के लिए युद्ध नहीं करता, उसे रक्त बहाने में आनंद मिलता है। किंतु आप देव हैं देवराज, आपके पास वज्र है, वरुण देव का वरुण अस्त्र, अग्नि देव का अग्नि अस्त्र, ये शक्तियाँ तो किसी भी असुर का अंत कर सकती हैं। वही तो आश्चर्य है माता। महादेव, ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो हम उनका सामना नहीं कर पा रहे? शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है, उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। ऐसा क्या वरदान देव जिसे स्वयं महादेव न भेद पाए? शुंभ निशुंभ ने ब्रह्म देव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्म देव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। अमरता ही हो गई एक साथ। शेष क्या बचा? केवल स्त्री। एक नारी। ओके। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और ये था फर्स्ट सीन, मतलब फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन। और ये एपिसोड फर्स्ट जो है बहुत ज्यादा लंबा था, एक एपिसोड 60 मिनट का था, इस वजह से हम लोग 6 जो वीडियोस में बनाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट सीन था। और स्टार्टिंग सीन और स्टार्टिंग वीडियो इतनी ज़्यादा कमाल की, इतनी ज़्यादा अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे सीरियसली देख के। मैंने ये उस टाइम पे, मतलब जब ये न्यू आया था उस टाइम पे, इसके स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देखे थे, लेकिन सीरियसली मुझे कोई भी सीन याद नहीं है कि मैंने देखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं ना, आई थिंक कि 6-7 साल हो गए होंगे उस टाइम पे मैंने देखा था ये। अभी के लिए मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और स्टार्टिंग में ही उनका वो जो रूप दिखाया गया, महाकाली का जो रूप उनका दिखाया गया, वो ख्वाब उनको आया है, और वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि फिक्र में है कि ऐसा ख्वाब मुझे क्यों आया, ये मैंने क्या देख लिया। और वो मतलब जाके उनको था कि मैं महादेव को बताऊं और इसका मतलब क्या है इस ख्वाब का, वो ही मुझे बता सकते हैं। और महादेव वहाँ पे खुश थे बहुत ज़्यादा, और खुशी से तांडव कर रहे थे वहाँ पे महादेव। और उन्होंने जब मतलब कि उनको बताया कि आपकी खुशी की वजह क्या है, तो उन्होंने मतलब कि बोला कि मेरी खुशी की वजह आप हैं, और आपके मतलब कि ऐसे मतलब लग रहा है कि किसी फिक्र में है, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा ख्वाब कुछ देखा है। और हो सकता है कि आपके ख्वाब ही मेरी खुशी की वजह हो, क्योंकि महादेव तो देवों के देव हैं, महादेव उनको तो सब पता है। लेकिन सीरियस इनको इस सीरियल में एक साथ देखना, मेरे फेवरेट कृष्णा जी के रूप में देखा है महाभारत में, और मुझे इतनी ज़्यादा उनकी वो जो स्माइल फेस और वो जो इतना अच्छा लगता है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और महादेव भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और इसमें द्रौपदी और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ना वो होता है ना कि उनका, मुझे लगता है कि वो जब महाभारत आई होगी और उसके बाद में भी जो लोग हैं उन्होंने बोला होगा कि हमको इनको साथ में देखना है, उस वजह से ये जो ड्रामा है इसमें फिर उनको साथ में रोल मिला होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं ये ऐसे रूप में, ये जो सफ़ेद इनका ड्रेस है मुझे इतनी प्यारी लगती है, उनका जो मेकअप किया हुआ है, उनका हेयर स्टाइल है, उनकी जो ज्वेलरी है, उनका जो ड्रेस है पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी जी जो देव हैं वो आए हैं और बोल रहे हैं कि हम पे जी कुछ राक्षस हैं, उन्होंने अटैक किया है और उनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उनको हराना मुश्किल है। तो महादेव ने बोला कि उनको अमृत का वरदान, उन्होंने बोला कि उन्होंने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मुझे लेके रह जाती है स्त्री, और स्त्री तो बहुत ज़्यादा मतलब अब खुद से वो बता रहे थे कि उनका वो जो रूप जो उन्होंने ख्वाब में देखा है वो इशारा किया है उन्होंने। लेकिन देखते हैं कि अगले सीन में क्या होता है। अभी का जो सीन देखे मुझे से इंतजार नहीं हो रहा है, मैं फटाफट अगला सीन देख लूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। मैं आपको मिलती रहूँगी इसके और वीडियोज़ में स्क्रीन में, तो फटाफट से देखते हैं इसके अगली वीडियो। तभी के लिए इतना ही, इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।